शिवपुरी से मजदूरी करने कर्नाटक गए 35 मजदूर लापता, 10 दिन से सभी के मोबाइल बंद। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेसई ग्राम पंचायत के 35 मजदूरों के लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अनिल जाटव नाम का ड्राइवर इन सभी मजदूरों को 3 माह पहले मजदूरी के लिए कर्नाटक ले गया था। तभी से ये लोग वहां मजदूरी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पिछले 10 दिनों से सभी मजदूरों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों से बंदूक की नोक पर जबरदस्ती मजदूरी कराई जा रही थी। पिछले 10 दिनों से मजदूरों के मोबाइल बंद होने से अनहोनी की आशंका से आशंकित मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शनिवार को एकजुट हुए सभी मजदूरों के परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस से मजदूरों को वापस लाने की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने साइबर सेल को इस मामले को ट्रेस करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने मजदूरों को परिजनों का आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुलिस उनका पता लगा लेगी। ये मजदूर हुए लापता। जो लोग लापता हैं उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है: अनिल, खुशबू, अमर, वर्षा, प्रांशी, हसीना, शीला, दामेती, रैंक सिंह, सुखवीर, छेंगा, राजा बेटी, बंटी, सलीम, वर्षा, राधा, बंटी, पवन, उदय, केपी, सतीशियन। लोगों को कर्नाटक जाने के लिए एक गाड़ी में बैठाया गया था, लेकिन 3 माह बाद भी इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। इन लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें डर है कि इन लोगों को जबरदस्ती बंदूक की नोक पर काम कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? संगाराम। कौन से गाँव से आयो? उठारी से आयो। क्या समस्या लेके आयो? आपसे हमें आदमी लापता है, गन्नागढ़ में गए थे, अब 2-3 महीने 2 महीना तो फोन लगे, तो उसके बाद में इनके फोन जब्त कर लाए और फिर बताए एक तरह पीटे भी मोड़ा मोड़ी। और कब से बात नहीं हुई? आज 10 दिन से बात नहीं हुई। कितने लोग हैं पूरे? 35 लोग हैं। 35 लोग मजदूरी करने कहाँ गए थे? कर्नाटक में, बिहार कर्नाटक में। जो उड़ीसा वगैरह बता रहे हैं तो अभी यहाँ शिकायत करने आए हो एसपी ऑफिस में, क्या आश्वासन दिया आपको? यहाँ शिकायत करने आए हो, क्या कहा आपसे? गन्नागढ़ में गए, साहब के आए, शिकायत करने आए हो? हाँ, आवेदन दे भी आए।